हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 7 ऐसे टूल्स के बारे में जो कि ब्लॉगिंग के लिए जो है बहुत ही रिकमेंडेड हैं और 100% फ्री हैं, और हर जो ब्लॉगिंग कर रहा है उसको ये 7 टूल का इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे आप जो है यहाँ पे ब्लॉगिंग करते करते अपने कंपटीटर के ऊपर में वॉच रखना चाहते हैं कि उसकी वेबसाइट पे या उसके ब्लॉग के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी टूल बताऊंगा। आपको कोई ग्राफिक डिजाइन करना है तो भी उसके लिए फ्री टूल बताऊंगा। आपको जो है यहाँ पे दूसरे की वेबसाइट के ऊपर अगर वर्डप्रेस के ऊपर बनी है तो वो कौन कौन से प्लगइन का इस्तेमाल कर रहा है उसके बारे में फ्री टूल बताऊंगा। आप जो है अगर ब्लॉग लिख रहे हो तो वहां पे कोई गलती ना हो, आपकी ग्रामर जो है परफेक्टली होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको एक फ्री टूल बताऊंगा। कीवर्ड रिसर्च के लिए जो है बहुत अच्छा सा एक फ्री टूल बताने वाला हूं, तो जिसके लिए आपको कहीं पे भी जाना नहीं पड़ेगा, आप सीधा अपने ब्राउजर पे काम करेंगे और इन सभी टूल, ये जितने भी टूल हैं साथों के साथ आपको जो है हेल्प करेंगे आपके एनहेंसमेंट के लिए। सो दोस्तों, अगर ये 7 टूल्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में, तो मैं आपको जो है आज के इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कंप्यूटर पे ले जाकर कि किस तरह से मैं खुद ये टूल्स का इस्तेमाल करता हूं और किस तरह से ये टूल जो है मुझे हेल्प करते हैं, और मैं इतनी सारी वेबसाइट जो मेरी 7-8 वेबसाइट हैं उनको मैं किस तरह से हैंडल करता हूं और किस तरह से जो है मैं 2-3 मेंबर्स के साथ में ही सारी वेबसाइट को अप टू डेट रख पा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पे जल्दी से मुझे फॉलो कर ले, क्योंकि वहां पे जो है मैं बहुत सारे डेली बेसिस पे ब्लॉगिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो बताते रहता हूं। तो जल्दी से मेरे को फॉलो कर ले। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो दोस्तों, बढ़ते हैं अभी हमारे आज के इस वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं 7 टूल्स ब्लॉगिंग के लिए जो कि 100% फ्री हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि ये कौन से 7 टूल्स हैं और इनका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। सो गाइस, हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास गूगल ओपन है और ये है क्रोम का ब्राउजर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे एक्सटेंशंस मेरे डले हुए हैं जिनका मैं रेगुलर इस्तेमाल करते रहता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च की। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए जो है अब बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है वैसे तो ऑनलाइन, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कीवर्ड एवरीवेयर। तो ये कीवर्ड एवरीवेयर जो है, कीवर्ड यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे कीवर्ड एवरीवेयर या कीवर्ड रिवीलर बोल दो, या बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको कीवर्ड एवरीवेयर जो है ये क्रोम एक्सटेंशन। तो ये क्रोम एक्सटेंशन में होता क्या है कि जब आप यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेते हो तो ये आपके ब्राउजर में यहाँ पे सेट हो जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने कीवर्ड एवरीवेयर जो है क्रोम एक्सटेंशन लिखा और इससे रिलेटेड यहाँ पे जो है कुछ कीवर्ड के हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गए हैं। और यही नहीं, इसके साथ में यहाँ पे पीपल ऑल्सो सर्च फॉर जो है ये बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट जो है हमें कीवर्ड्स जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी हम किसी भी कीवर्ड को लेके यहाँ पे काम करें तो हमारे जो भी हम सर्च कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो भी चीज को लिए हम ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं तो वो कीवर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे, उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड आइडियाज के लिए जो है ये बहुत ही कीवर्ड एवरीवेयर जो है ये बहुत ही बढ़िया टूल है जो आपको जो है आपके साथ में यहाँ पे काम करते करते यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको जो है बहुत सारे कीवर्ड्स का जो आपको नॉलेज आइडियाज वगैरह जो है प्रोवाइड करता है। तो ये एक पहला एक क्रोम एक्सटेंशन है, तो जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके आपको इंस्टॉल करने के बाद जो भी आपको इसमें साइनअप करना होगा, साइनअप करने के बाद आपके ईमेल के ऊपर जो है एक इसका लाइसेंस की आएगा, वो लाइसेंस की कॉपी करके आपको इसकी क्रोम एक्सटेंशन में जो है पेस्ट कर देना है और ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड जो है वो है हमारा ग्रामरली। तो ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन आप लिखेंगे यहाँ पे तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्रोम एक्सटेंशन है कि जब हम किसी भी ब्लॉग के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम काम कर रहे होते हैं तो ये क्या करता है कि वहां पे कोई भी अगर हमसे गलती हो रही है या हमें कोई जो है उसका एक अच्छा सा वर्ड चाहिए है तो यहाँ पे जो है हमारी ग्रामरली वाली जो एक्सटेंशन है ये हमें हेल्प करती है कि हम अपने जितना जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, उसमें जो है ये सारी चीजों को रेक्टिफाई कर सके। तो देन एंड देयर हमारी जो राइटिंग के दौरान जो है, टाइपिंग के दौरान जो गलतियां होती हैं वो गलतियां जो है इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो जाती हैं और हम उसको जो है आइडेंटिफाई करने के साथ साथ, यहां पे सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे आपकी ग्रामर भी सही होती है।
अगर आपने कोई ग्रामर मिस्टेक कर दी है, इज की जगह ए लिखना था, ए की जगह आपने इज लिख दिया है ना, तो यहां पर भी जो है दिस लिख दिया, दैट लिख दिया, तो वहां पर कौन सी चीज एप्रोप्रिएट है कौन सी नहीं है वो चीज भी जो है आपकी यहां पे रेक्टिफाई हो जाती है। इसके बाद जो है यहां पे हम बात करते हैं हंटर की। हंटर क्रोम एक्सटेंशन जो है एक बहुत ही बढ़िया क्रोम एक्सटेंशन है। बेसिकली ये हमें तब हेल्प करता है, जैसे कि अब सपोज कर लो आपको अपनी वेबसाइट का कुछ जो है बैकलिंक्स जनरेट करने हैं, तो बैकलिंक्स जनरेट करने के लिए बेसिकली हम बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स को जो है अप्रोच करते हैं, लेकिन हम जो है वेबसाइट पे जाते हैं उनकी ईमेल आईडी को ढूंढना है तो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि उनकी ईमेल आईडीज को कैसे ढूंढे। पूरी वेबसाइट के ऊपर हमें सर्च करना पड़ता है कहां पर उनकी वैलिड ईमेल आईडी हमें मिल जाएगी। तो ये क्रोम एक्सटेंशन जो है बहुत ही आसानी से, जैसे कि यहां पे मैं nirankariinfotech.com खोलता हूं, तो यहां पर जो है ये इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी ईमेल एक्सटेंशन होंगे, ईमेल आईडीज होंगे, वो मुझे यहां पे दिखा देगा। तो यहां पे जो है आपको करना क्या है, ये देख सकते हैं यहां पे आपको हंटर पे क्लिक करना है। ये मेरी वेबसाइट को एनालाइज करा और देखा इसने कि यहाँ पे एक ईमेल आईडी है और ये ईमेल आईडी जो है यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस स्कोर कितना बता रहा है, 80%, मतलब आप ये जो है 80% स्कोर है, मतलब आप इस ईमेल आईडी को यूज कर सकते हैं। तो कोई भी वेबसाइट जिसके साथ आप बैकलिंक बनाना चाहते हो तो आप उस वेबसाइट को ओपन करो और इसको क्रोम में क्लिक करो तो ये जो है आपको उसमें ऑटोमेटिकली ईमेल आईडी जो है वो कौन कौन से अवेलेबल है वो आपको आइडेंटिफाई करके बता देगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा अच्छा टूल है जिसमें हमारा टाइम काफी बच जाता है। तो इसका नाम है हंटर क्रोम एक्सटेंशन। इसके बाद है अगर आपको ग्राफिकल काम करना है, तो ग्राफिक में काम करना है, लोगो डिजाइन करना है, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो है कुछ पोस्ट करना है, उसके लिए आपको करना है, तो यहां पे 100% फ्री जो है दैट इज canva.com। canva.com जो है एक बहुत ही फेमस टूल अवेलेबल है ऑनलाइन, जिसमें जो है हम बहुत सारे क्रिएट करते हैं। मेरे भी बहुत सारे लोगो भी यहां पे क्रिएटेड है, आप देख सकते हैं यहां पे माई प्राइस बार वगैरह है, ठीक है ना, यहां पे मेरा डिजिटल मार्केटिंग मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का लोगो भी इसी में डिजाइन किया हुआ है, और भी मेरे बहुत सारी वेबसाइट के जो है यहीं पे डिजाइन करे गए हैं। तो ये जो है आपका एक काफी इंटरेस्टिंग जो है ऑनलाइन टूल है, जिसमें बहुत आसानी से बहुत अट्रैक्टिव जो है आप यहाँ पे लोगो डिजाइन कर सकते हो, पोस्टर डिजाइन कर सकते हो, प्रेजेंटेशन डिजाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन कर सकते हो, तो इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये आप यूज कर सकते हो ग्राफिक के लिए। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा सिमिलर वेब, सपोज कर लो अब आपको ये जानना है कि ये जो आपकी वेबसाइट है canva.com, ये सपोज कर लो आपकी कंपटीटर है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर कितना ट्रैफिक आता है, तो आप यहां पे जो है इसको हमारी एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसको हम कहते हैं सिमिलर वेब, यहां पे एक्सटेंशन फॉर क्रोम के लिए हम यहां पे करेंगे, तो ये हमें पहले नंबर पे मिल जाएगा, इसको हम इंस्टॉल कर लें। तो अब मैं आपको यहां पे कैनवा का दिखाता हूं, आप यहां पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको इसके ऊपर कितना वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है, किसमें पूरे रैंकिंग भी आपको बताएगा, ग्लोबल रैंकिंग क्या है इस वेबसाइट की, ये यूएस की वेबसाइट है ये भी पता चल गया क्योंकि यहां पे कंट्री रैंकिंग के अंदर आ रहा है, कैटेगरी रैंकिंग में आप देख सकते हैं ये नंबर 1 पे चल रही है, और यहां पे नीचे जो है इसका बाउंस रेट कितना है, पेज व्यू कितने होते हैं, और मंथली इसमें विजिट्स जो है वो कितने होते हैं, और एवरेज ड्यूरेशन जो है विजिटर्स का कितना रहता आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रोम एक्सटेंशन है जिससे हम अपने कंपटीटर के ऊपर जो है एकदम वॉच रख सकते हैं कि वो कहाँ पे जा रहा है, वो ऐसा क्या कर रहा है कि हम उसका ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको और ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकें। इसके बाद जो अगली एक्सटेंशन है वो है यहाँ पे वर्डप्रेस क्रोम एक्सटेंशन। वर्डप्रेस जो है उसकी क्रोम एक्सटेंशन जो है यहाँ पे हमने इंस्टॉल करनी है। इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि कई बार हम कोई वेबसाइट को देखते हैं वो हमें बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ही अच्छे लेआउट्स लगते हैं, तो हमें ये पता करना है कि वो जो वेबसाइट है वो क्या वर्डप्रेस के ऊपर डिजाइन करी गई है या कस्टमाइज्ड है। तो अगर ऐसा करना है तो आप ये वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर जो है क्रोम एक्सटेंशन आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी हम चलते हैं कैनवा के ऊपर, अब यहां पे मुझे ये पता करना है कि ये वर्डप्रेस पे बनी है या नहीं बनी है, तो ये जो है यहां पे आप देखते हैं इस तरह का डब्ल्यू का आइकन आ जाता है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये ब्लू नहीं हुआ है, ये ग्रे रह गया है, तो इसका मतलब ये जो canva.com जो है ये वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस के ऊपर नहीं बनी है।
तो इसी तरह से अगर मैं निरंकारी infotech.com खोलता हूं तो यहां पर जो है ये वेबसाइट किस में बनी है, वर्डप्रेस पे बनी है या नहीं बनी है, ये मुझे चेक करना है। तो मैं यहां पे जो है वर्डप्रेस इसके ऊपर वेबसाइट ओपन करने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो आप देखते हैं यहां पे W जो है वो बिल्कुल डार्क ब्लू कलर में जो है कन्वर्ट हो गया, मतलब ये जो है वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट है। अब अगर आपको चेक करना है कि इसके ऊपर कौन कौन से इसमें प्लगइन डले हुए हैं, कौन कौन से इसमें थीम डली है, तो आप इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करोगे तो ये जो है आपको पूरी थीम वगैरह के बारे में, उसके प्लगइन्स वगैरह के बारे में एनालाइज करके जो है पूरी डिटेल आपको सबमिट कर देगा। तो इससे जो है आप ये पता लगा सकते हो कि अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई वर्डप्रेस की थीम लगानी है तो आप वो भी बहुत आसानी से लगा सकते हो। इसके बाद जो है आपको मैं यहां पे बताऊं, ये कोई टूल कोई क्रोम एक्सटेंशन नहीं है, इसका नाम है यहां पे स्मॉल SEO टूल्स। स्मॉल SEO टूल जो है ये एक बहुत ही बढ़िया टूल है जो कि मैं बताऊं फ्री के अंदर जो है बहुत ही अच्छा है, जिसके अंदर हम जो है प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं या ग्रामर चेक कर सकते हैं, या फिर जो है हमें ये चेक करना है जो कंटेंट हमने लिखा है या हमारा कोई टीम मेंबर रखा है, सबऑर्डिनेट हमने रखा हुआ है, हमारा कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है, अगर उसने कोई आर्टिकल लिखा है तो वो आर्टिकल कितना सही है, कितना यूनिक है, कहीं से उसने कॉपी तो नहीं करा, तो वो चीजें अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप यहां से कर सकते हो। तो ये रीराइट आर्टिकल से जो है आप ये चेक कर सकते हो कि वो यूनिक है या नहीं, नहीं सॉरी, यहां से रीराइट आर्टिकल से अगर आपने वो कोई भी रीराइट करना है, मतलब कहीं से कॉपी किया हुआ कंटेंट है आपको उसमें उसको यूनिक बनाना है, तो आप यहां पे आर्टिकल रीराइट पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका कंटेंट है उसको पेस्ट करेंगे और रीराइट पे वहां पे ऑप्शन आएगा रीराइट का, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं। तो रीराइट का ऑप्शन आएगा, तो जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो यहां पे आपको अपना कंटेंट जो है वो पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जो है आपको यहां पे रीराइट का, जैसे आप यहां पे पेस्ट कर दोगे तो यहां पे नीचे साइड पे ये आपका जो है एक बटन आ जाएगा जिसपे अभी लोडिंग लिखा हुआ है, ये आ गया रीराइट आर्टिकल। तो ये रीराइट आर्टिकल पे करेंगे तो ये आपको जो है आर्टिकल में कहां कहां पे आप जो है चेंजेस कर सकते हो ये आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके बता देगा, तो फिर उसके हिसाब से जो है आप आसानी से उसको पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये चेक करना है कि जो चीजें आपने करी हैं वो आपका जो है यूनिक है कि नहीं, जो कंटेंट आपका फाइनली आप पब्लिश करने वाले हो, तो आप यहां पे प्लेगरिज्म जो है चेक कर सकते हैं। तो यहां से आपको उसका ये पता चल जाएगा कि आपका वो कंटेंट जो है वो यूनिक है कि नहीं है। अगर यूनिक नहीं होगा तो ये आपको लाइन बाय लाइन बताएगा कि कौन सी ऐसी लाइन है आपके कंटेंट में जो किसी दूसरी वेबसाइट के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, यानी कि डुप्लीकेट हो रही है, तो आप उसको जो है यूनिक बना के वापस से चेक कर सकते हैं फाइनली। तो अगर वो आपका यूनिक होगा तो 100% आपको यूनिकनेस दिखाएगा, और जो जो लाइनें आपकी जो है डुप्लीकेसी होंगी तो उसमें जो है यहाँ पे डुप्लीकेट दिखाएगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया टूल है जो कि हर जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये फ्री वाले टूल ऐसे साथ मैंने आज आपको बताए जिनका इस्तेमाल करके जो है हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्लॉगिंग को जो है पहले ही प्रॉब्लम होने से पहले ही हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये जो है 7 टूल मैंने आपको बताए हैं जिनका आपको डाउनलोड करना है, इनका यूज करना है, ताकि आप जो है अपने ब्लॉगिंग को, अपने करियर को आप जो है प्रोफेशनलिज्म में अगर लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको बहुत आसानी से लेके आगे बढ़ सकें। सो दोस्तों, आई एम श्योर वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।